अगर आप मेरी तरह बिजनेस और स्टार्टअप कल्चर से फैसिनेटेड है तो आपने ये शो जरूर देखा होगा। और इस शो में अक्सर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी या पेटेंट प्रोडक्ट्स पर बात की जाती है। तब आपने मेरी तरह जरूर सोचा होगा कि ये पेटेंट का मतलब क्या होता है और कैसे किसी भी स्टार्टअप के केस को ये क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। चिंता मत कीजिए, ये सब जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉबिज पर। आज हम डिस्कस करेंगे पेटेंट्स के बारे में। एक पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो आपको अपने इन्वेंशन पर मिलता है ताकि कोई और बिना आपकी परमिशन के उसे यूज या सेल ना कर सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पेटेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। पेटेंट्स आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है और आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देते हैं। ये आपके R&D इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर करता है और आपके बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। एक फेमस एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोको कोला का सीक्रेट फॉर्मूला एक ट्रेड सीक्रेट है, पर उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कुछ एस्पेक्ट्स पेटेंटेड है जो उन्हें मार्केट में एक्सक्लूसिव पोजीशंस देते हैं। वैसे क्या आपको ये पता है कि कोका कोला की रेसिपी पूरे कंपनी में सिर्फ 2 एक्टिव एम्प्लॉइज को मालूम है और उन दोनों को साथ में ट्रेवल करना अलाउड नहीं है। इंडिया में पेटेंट्स के लॉ द पेटेंट एक्ट 1970 और पेटेंट्स रूल 2003 के अंदर रेगुलेट होते हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन जनरली 20 साल के लिए मिलती है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। ये लॉ इन्वेंशन को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, नोवेलिटी और नॉन ऑब्वियसनेस के बेस पर ग्रांट करते हैं। द पेटेंट्स एक्ट 1970 एंड पेटेंट्स रूल 2003 आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपकी इन्वेंशन पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज ना हुई हो, क्योंकि पब्लिक डिस्क्लोजर से आपका पेटेंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस की। इंडिया में पेटेंट फाइलिंग का प्रोसेस कुछ स्टेप्स में डिवाइड होता है। चलिए एक एक स्टेप को डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप, पेटेंट सर्च। सबसे पहले आपको एक थोरो पेटेंट सर्च करना चाहिए ताकि आप ये इंश्योर कर सके कि आपकी इन्वेंशन नॉवेल है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फोसिस का। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इनोवेशन के लिए पेटेंट सर्च कराया और जब उन्हें कंफर्म हो गया कि उनकी इन्वेंशन नॉवेल है तब उन्होंने पेटेंट फाइल किया। स्टेप 2, पेटेंट ड्राफ्टिंग, जिसमें आपके इन्वेंशन को डिटेल्ड मैनर में डिस्क्राइब किया जाता है। ये ड्राफ्टिंग एक स्किल्ड पेटेंट अटॉर्नी से करवाना एडवाइजेबल है। थर्ड स्टेप है फाइलिंग द एप्लीकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन को इंडियन पेटेंट ऑफिस IPO में फाइल किया जाता है। आप ये एप्लीकेशन ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप है पब्लिकेशन। पेटेंट एप्लीकेशन को फाइलिंग के 18 महीने बाद पब्लिश किया जाता है। आप अर्ली पब्लिकेशन के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्टेज में IPO आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है और ऑब्जेक्शंस रेज करता है। आपको ये ऑब्जेक्शंस रिस्पॉन्ड करने होते हैं। एक फेमस एग्जांपल ले लेते हैं टाटा मोटर्स का, जिसमें उन्होंने नैनो कार के लिए पेटेंट फाइल किया था और उनके एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शंस आए थे। उन्होंने अपने अटॉर्नी के थ्रू इन ऑब्जेक्शंस को रिजॉल्व करवाया और फाइनली पेटेंट ग्रांट हो गया। सिक्स्थ स्टेप है ग्रांट ऑफ पेटेंट। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो पेटेंट ग्रांट हो जाता है। आपको रेगुलर मेंटेनेंस फीस पे करनी होती है ताकि आपका पेटेंट एक्टिव रहे। चलिए अब कुछ रियल लाइफ पेटेंट एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एप्पल के पास बहुत सारे पेटेंट्स हैं जो उनके प्रोडक्ट को यूनिक बनाते हैं। उनके टच स्क्रीन इंटरफेस और डिजाइन पेटेंट्स ने उन्हें मार्केट में एक डिस्टिंक्टिव एज दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल, इंडियन इनोवेटर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। डॉक्टर माशेलकर ने पॉलीमर साइंस में बहुत सारे पेटेंट्स फाइल किए हैं जो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। उनके इन्वेंशंस ने इंडिया का नाम ग्लोबल पेटेंट लैंडस्केप में रोशन किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टेप्स जो आपको पेटेंट्स के बारे में जानने चाहिए। पेटेंट्स आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है और आपके बिजनेस को एक यूनिक पोजीशन देते हैं। हमेशा प्रॉपर रिसर्च करें, सही ड्राफ्टिंग और फाइलिंग करवाएं और लीगल असिस्टेंस जरूर लें। और अपने बिजनेस से जुड़ी किसी भी तरह की पेटेंट फाइलिंग के लिए कॉबिज से संपर्क करें, क्योंकि हम आपके इस प्रोसेस को हैसल फ्री बनाते हैं। बिकॉज कॉबिज बिलीव्स इन द विजन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।